वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आशीष और नताशा के साथ क्विक 20 क्वेश्चंस वाला सेगमेंट करने वाले हैं, जिसमें उनकी केमिस्ट्री निखर के बाहर आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग। मैं तो मोबाइल चेक करता हूँ। मैं फोन चेक नहीं करती, मैं बाहर जाके बैठ जाती। अच्छा, फ्रेश हवा लेने के लिए, राइट? एक घंटे के बाद फोन मोबाइल चेक करने के बाद जाती है बाहर। नहीं नहीं, मैं फोन चेक नहीं करती सुबह। ओके, सेकंड क्वेश्चन, फेवरेट मूवी। फेवरेट मूवी? हाँ, फेवरेट मूवी तो बहुत सारी है, एक नहीं है, बहुत सारी है। वो मेरे पापा कोई ऐसे कोई एक स्पेसिफिक वन जो कभी भी देखने के लिए आपको बोरिंग नहीं लगती है? अंदाज अपना अपना। और आपका नाम? मेरी है थ्री इडियट्स। लास्ट मूवी यू वॉच्ड एंड लव्ड टुगेदर? टुगेदर वॉर ऑफ बटन्स। हाँ, वॉर ऑफ बटन्स एक आयरलैंड की मूवी है, बहुत ही प्यारी। English film, बच्चों को लेके है वो फिल्म। वो कैसे छोटे होते तो कैसे एक दूसरे को प्लानिंग करके मारते हैं, या मतलब मारते हैं। तो आपस में उनकी वॉर चल रही होती है छोटे छोटे बच्चों की। तो यहाँ पे छोटे बच्चों का ग्रुप होता है स्कूल का, और एक प्राइवेट स्कूल के एक बच्चों का ग्रुप होता है। तो कैसे लड़ते हैं उनकी, मतलब ऐसे ना तो ये बहुत हार्म करते हैं या किसी को मार देते हैं। हाँ। बट लड़ाई का की प्लानिंग भी उस लेवल की होती है जैसे कि हमारी हम प्रॉपर वॉर कर रहे हो। हाँ। बट मारते नहीं प्रॉपर। बहुत ही क्यूट फिल्म, बहुत क्यूट। ओके, फेवरेट कलर? ब्लैक। मेरा ब्लैक एंड व्हाइट बोथ। What are you thinking right now? ये इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैं अपने गाने का वीडियो पूरा देखूं। मैंने देखा नहीं अभी। और आप नताशा जी? मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे पापा आगे पीछे घूम रहे हैं वो कब जाएंगे, और रूम पे कब जाना, बार बार आ रहे। फेवरेट फूड? राजमा चावल। राजमा चावल। अच्छा, दोनों का फेवरेट राजमा चावल ही। छोले भटूरे। छोले भटूरे। छोले भटूरे। छोले भटूरे। समोसे भी। समोसे भी। इसको सब अच्छा लगता है मुझे। राजमा चावल। फेवरेट सॉन्ग? ओ साथी। इसकी मूवी का सॉन्ग है, शब मूवी का। बट अभी फिलहाल ही मेरा फेवरेट सॉन्ग ये। हाँ, आपका भी नताशा जी? नाइस वन। बुक यू रीड? यू आर रीडिंग, राइट? मैं अभी इकिगाई, जापानीज वे टू, वो अभी एयरपोर्ट पे ली थी मैंने, तो वो पढ़ रही हूँ। मैं तो अभी कोई बुक नहीं पढ़ रहा। ये अच्छा, तो आपको बुक रीड करना अच्छा नहीं लगता है कि अभी फिलहाल आप नहीं पढ़ रहे हो? मैं जिंदा चीजों को पढ़ता हूँ, इंसानों को पढ़ता हूँ। अच्छा, ओके। फेवरेट ऐप? फेवरेट ऐप मौज। हाँ, मौज। और मेरी है, मेरी कौन सी है, यूट्यूब ऐप। यूट्यूब बहुत। तो यूट्यूब पे आप क्या? हाँ, राइट। हाँ, यूट्यूब पे बहुत कुछ देखने में। तो जैसे खाना बनाना मेरा मन किया तो मैं वहां से बना ली सब कुछ, मतलब कुछ भी मेरे को किसी से भी रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सफाई करनी है तो कोई चीज, चाहे तो ट्रीटमेंट हो, चाहे तो होम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। हाँ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, वो हर चीज की नॉलेज मिल जाती है। या कोई भी चीज खरीदनी हो, चेक करने हो। तो रिसेंटली आपने यूट्यूब से क्या कुछ बनाया या फिर सीखा है? मैंने लास्ट सर्च किया था कि मेरे जो वॉशरूम की टाइल्स है वो एक जगह से ब्लैक पड़ गई थी, तो मैंने देखा था कि ये टफ स्टेन कैसे निकालो। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज लव, हाउ यू विल डिफाइन इट? आई थिंक लव है जो आपका स्ट्रेस निकाले, ना कि आपको स्ट्रेस दे, और आप जिससे, मतलब आजकल लोग बोर हो जाते हैं एक ही चीज से, तो बोर होना प्यार, जिसको आप डेली देखना चाहें, डेली आप उससे बात करना चाहें, डेली आप उससे, मतलब आप उसके साथ मेमोरीज बनाना चाहें, आई थिंक वही प्यार है। करेक्ट। इसके बाद रहो तो आपको सोचना ना पड़ेगा कुछ करने से पहले। हाँ, मतलब जैसे हम दोनों बहुत ट्रांसपेरेंट एक दूसरे के साथ, तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता कुछ भी इसको बोलने से पहले। और क्या होता है ना, आप कुछ भी सोचते हो, जैसे
जैसे हम सोचते हैं ना कि काश मैं इतना ग्रो करूं, तो जब आप साथ में तो हम साथ में इतना ग्रो करें, मतलब कि हम दोनों यहाँ ये अचीव करें तो साथ में अचीव करें, हमारा ड्रीम ये है तो हम साथ में ये ड्रीम पूरा करें, हम कभी भी सब कुछ साथ में करें। हम कभी भी ऐसा बोलते कि घूमने जाना है तो हम ये नहीं बोलते कि मुझे घूमने जाना, हम ये बोलते हमें घूमने जाना है या हमें हमें हमारा ड्रीम ये है, हमारा घर होगा, हमारी गाड़ी होगी, सब कुछ हमारा, मतलब अपने अकेले का नहीं। योर हिडन टैलेंट। हिडन टैलेंट क्या तुम्हारा है? तुम्हारा मेरा हिडन टैलेंट, मैं हिडन टैलेंट मैं खाना अच्छा बना लेती हूं। बट तभी भी कुछ ऐसा अलग चीज जो आपको आती है, लोगों को फॉर एग्जाम्पल लोगों को मुझे देख के लगता है कि मैं बहुत एटीट्यूड वाली होंगी या रूड होंगी, नहीं पर मैं बहुत मैं लोगों को बहुत हंसाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मेरे अंदर स्टैंड अप कॉमेडियन छुपा हुआ है। आपका स्टैंड अप कॉमेडियन वाला हिडन टैलेंट है आपके अंदर, मतलब और आपका आशीष सर ये अनॉय करता है वो कुछ और ये जब ये एक्चुअली डांस अच्छा करता है। अच्छा ओके एक्सपेक्ट नहीं करते पर जब ये मूड में होता है तो ये डांस अच्छा करता है। डांस अच्छा ये वाला नहीं करते तुम? वैसे मैं बहुत गलत डांस करता हूँ लेकिन तुम्हारा है। जब मतलब इसको लोगों को लगता नहीं है कि ये करता होगा डांस, या ये सबको ऐसे बता के घूमता है कि मुझे डांस नहीं आता, पर ये एक्चुअली अच्छा डांस। ओके और ये बहुत ये लोगों को पता नहीं, ये बहुत क्विक लर्नर है। अच्छा बहुत जल्दी सब सीख लेते हैं। मैं ना बहुत क्यूरियस हूँ, इवन अगर आप मुझे कुछ बोलोगे ना ऐसा होता है लाइफ में, तो अगर आप सही भी बोल रहे होगे ना तब भी मैं चार जगह देखूंगा चेक करूंगा कि हाँ ऐसा होता है। तो कोई भी चीज बोलोगे ना मतलब किससे ऐसा होता है या इससे यहाँ से पैसे कमाए जाते हैं, सबसे जल्दी ये सीखता है। अच्छा व्हाट इज योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ? मेरी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, मेरी इसकी वीकनेस पता है क्या है, ये ना ये जैसे आपने कुछ बोला ना कि ये कहते हैं अगर कि यहाँ पे कोई जादुई चीज हुई है तो ये उसको मान जाएगी, बोलेगी अरे ऐसा ही होता है, ये ना रिसर्च नहीं करेगी। इसकी वीकनेस स्ट्रेंथ भी बता दो मेरी। इसकी वीकनेस ये है कि ये सबकी बातों को बहुत जल्दी मान जाती है। स्ट्रेंथ तो बताओ, स्ट्रेंथ बताओ। स्ट्रेंथ क्या तुम्हारा देखा तो आप बताओ स्ट्रेंथ क्या आपकी? मुझे ऐसा लगता है मेरी जो वीकनेस है वही स्ट्रेंथ भी है, मतलब मैं बहुत एम्पैथेटिक हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मतलब मैं बहुत छोटी छोटी चीज पे रो जाती हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल हाँ मतलब मैं किसी की बातों में भी आ सकती हूँ, एक्चुअली पॉइंट है। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई मुझे स्टोरी सुनाई जो मुझे बहुत दिल पे लगी और मैं रो रही हूँ उस चीज को, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, पर आपने अगर पेपर बनाया हो तो मतलब वीकनेस ही स्ट्रेंथ है एक तरह से, एक स्ट्रेंथ भी मानती हूँ। मतलब मैं खुले दिल की हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर देती हूँ। हेल्प कर ओके। और आशीष सर आपका वीकनेस और स्ट्रेंथ? मेरी वीकनेस ये है कि मैं कुछ ज्यादा सोचता हूँ, तो ऐसा ना हो कि तब तक किसी बंदे को जरूरत हो और वो ये कहते हैं उसको मैं उसकी हेल्प कर ना पाऊँ। हाँ जैसे कि अभी बताया, देखो जैसे अभी सोशल मीडिया पे क्या होता है ना, सोशल मीडिया पे क्या होता है बहुत लोग फ्रॉड भी हैं जो डोनेशन मांगते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें पता नहीं चल पा रहा कि उसमें हमें पता नहीं चल पा रहा है कि सच में रियल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मैं 2-3 बार कर चुका हूँ, मैं ना पे कर चुका हूँ लोगों को, बाद में पता लगता है कि अरे यार वो तो सबसे मांगता है पैसे और वो झूठ बोलता है, दारू पीता है, तो ऐसे मुझे ना गुस्सा आया अपने ऊपर कि यार मैंने क्यों नहीं पूछा पहले। तो उस मैं पैसे दे देता हूँ, बात मुझे लगता है कि मैंने गलत बंदे को पैसे दिए जो उसका मिसयूज कर रहा है उस पैसे को, मिसयूज कर रहा है। हाँ मेरी वीकनेस हो गई है, ठीक है। और स्ट्रेंथ मेरी है कि मैं बहुत ज्यादा रीचेक करता हूँ उस चीज को, और कुछ भी कोई भी बोलता है मैं मानता नहीं हूँ, तुरंत नहीं मानता। हाँ ये मतलब इस चीज की ये
फॉर एग्जाम्पल आप साइंटिफिक टर्म्स पे भी अगर इसको कुछ बोलोगे ये तब तक नहीं मानेगा जब तक ये खुद चेक ना कर ले. तो मैं हाँ, क्योंकि देखो ना क्या है, इसको कोई बातों में फंसा नहीं सकता, मतलब ऐसे नहीं बोल सकता कि हाँ, तो मैं वो चाहे तो मैं गूगल करूँ चाहे तो मैं चार लोगों से पूछूं, पर मुझे हर जगह से उसका करेक्ट आंसर मिले, लॉजिकल आंसर मिलेगा तो ये मानूंगा. मैं ऐसे इलॉजिकल बातों को ना एकदम से नहीं मानता कि आपने बोला कि क्या कहते हैं मतलब कि कुछ भी बोल जाए कि यहाँ पे मैजिक होता है, जादू होता है, तो मैं नहीं मानूंगा. मैं बोलूंगा कि कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कोई रीजन होगा, ये अपने आप रीजन हो रहा है. होगा. हाँ तो बहुत लोग मान जाते हैं कि अरे हाँ भगवान है, भगवान ने कुछ किया है. मैं मतलब भगवान है बट कुछ ना कुछ तो रीजन होगा उसके पीछे कि वो हो रहा है. कुछ हाँ राइट. बट ये अच्छी आदत है, मतलब ऐसे करेक्ट वगैरह करके लोगों से पूछ पूछ के, चार लोगों से कंफर्म करके कुछ काम करना, नहीं तो तो फिर किसी हम से भी, किसी से. हाँ नहीं तो फिर हम भी अपने दोस्तों को गलत इन्फॉर्मेशन देंगे जब तक हम करेक्ट नहीं करेंगे, और फिर वो हाँ गलत हाँ इन्फॉर्मेशन होती रहेगी और हाँ वो. फ्रॉड लोगों का उससे हेल्प होगा, हम हाँ लोग हाँ अगर कंफर्मेशन नहीं करेंगे तो. हाँ करेक्ट करेक्ट. राइट ओके. योर फेवरेट फेस्टिवल? मेरा मेरे को दिवाली में मजा दिवाली. आता है, दिवाली मजा आता है. दोनों दिवाली. ओके तो दिवाली का कुछ ऐसे आप स्पेशल कुछ अलग करते हो दिवाली में? दिवाली में जैसे कि अभी क्या होता है ना, एक अच्छी बात यह है कि दिवाली में मतलब हम तो मुंबई में रहते हैं, तो जब भी मैं दिल्ली जाता हाँ हूँ मैं दोस्तों पाता, क्योंकि सब कोई ना कोई कहीं कहीं जॉब कर रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है. बट दिवाली एक ऐसा हाँ फेस्टिवल है कि ना अपना अपनी जगह छोड़ के फैमिली से मिलने आते ही आते हैं, तो वो टाइम पे ना हाँ मैं सब मिल लेता हूँ क्योंकि सबकी छुट्टी होती है, सब घर पे होते हैं, तो हाँ वो हाँ साल का पूरे साल का एक बेस्ट टाइम होता है जब आप अपने पुराने बचपन के दोस्तों से मिलके बैठ के एकदम मस्ती मारती हो, और वो टाइम ना आपको पूरे साल में एक बार भी नहीं मिलता, सिर्फ दिवाली पे ही मिलता है. दिवाली पे मिलता है. हाँ तो वो मेरे लिए, मुझे और बहुत बचपन के दोस्त साथ साथ में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं. नताशा जी आपका? मेरा मेरे दोस्तों की तो सबकी शादी हो गई है तो कोई नहीं हाँ आता. मैं अपनी फैमिली जो कि क्योंकि मैं हिमाचल में रहती हूँ तो मुंबई से बहुत दूर पड़ता है, तो मतलब हाँ साल में एक बार आती हूँ मैं, तो मैं अच्छे से अपनी फैमिली से मिल लेती हूँ. ओके. तो से समथिंग इन अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश, कोई और दूसरे लैंग्वेज में कुछ तो बोलो. मेरी तो लैंग्वेज पहाड़ी है बट मुझे बोल इसको आती है बोलनी, मेरे को मेरी लैंग्वेज बोलनी नहीं मुझे आती. मेरी लैंग्वेज मतलब मैं गाने के बारे में बोलूंगी, ये गाना बहुत ही हाँ अच्छा, ऊंचाई के सारे देखो क्योंकि बहुत ही खरे तरीके ने बंडरा ने, सिंगर भी बहुत खरी ने है, बहुत मेहनत ने काम की तरह ने बहुत सारी चीजें सीखियां, ता देखो ने हो और ज्यादा प्यार दो. ये हिमाचली लैंग्वेज थी, नाइस मेरी ओके. पहाड़ी फिर लैंग्वेज उत्तराखंड की, इसको बोलने नहीं आता. बट मैं ट्राई करता हाँ हूँ. ट्राई ट्राई. ये गौंड गाना बहुत है भल छा, बहुत है भल संगीत जरो, और मैं चाहूँ तुम सभी लोगों को सुनना सुनना चाहिए, खूब खूब प्यार दिए, नाइस. बहुत भल सॉन्ग छ, और बहुत छोरा छोरी बहुत अच्छा लगू. नाइस वन. नाइस ट्राई. अच्छा ट्राई था. उत्तराखंड की ओके. लैंग्वेज व्हाट यू कांट लाइव विदाउट? ये तो फोन. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मैं मतलब मेरे जो क्लोज लोग हैं मैं उनके बिना बहुत मतलब बहुत ही सोचता भी हूँ कि अगर वो उनमें से कोई भी मेरे आसपास ना हो तो मैं कैसे जीऊंगा, तो ऑब्वियसली वो हाँ. चीज़ बहुत डर लगता है उस चीज़ का सोच के हमेशा. और सेम नताशा जी आप भी? सेम. ओके ओके. व्हाट यू विल डू आफ्टर दिस इंटरव्यू? नेक्स्ट इंटरव्यू नेक्स्ट इंटरव्यू. ओके. लास्ट पर्सन यू स्पोक? पापा क्योंकि अभी यहां से जा रहे थे ना तो कार्टून. ओके. फेवरेट कार्टून? टॉम एंड जेरी ऑल मेरा टाइम मेरा फेवरेट. पापाई पापाई हाँ पॉपाई. पापाई का से. ओके. लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट यू लव एंड हेट अबाउट योरसेल्फ? मैं लव अबाउट माई सेल्फ कि मैं खुले दिल की हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर देती हूँ बिना सोचे समझे, और हेट अबाउट दिस ऑल्सो कि मैं बिना सोचे समझे बट सोचे समझे हेल्प कर देते हैं. ये तो सेम सेम क्वेश्चन हो गया ना कि आपका पॉजिटिव और आपका नेगेटिव भी है.
कुछ ऐसा जो आप लोग रिग्रेट फील करते हो कि मैंने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और कंट्रोल करते हो कि नहीं करेंगे? तुम्हारा मेरा पॉजिशन तो यही है कि मैं मतलब मैं बहुत बहुत जल्दी मतलब इसका पॉजिटिव मैं बता दूं, इसका पॉजिटिव है इसके अंदर बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है जो कि लोगों को हंसाता है, लोगों को जोड़ के रखता है, और ओके ये है इसका। और हेट अबाउट हिम मतलब, और इस ये खुद के लिए भी ये बहुत इम्पेशेंट है। ओके तो लास्टली अपने फैंस को अपने बारे में कुछ तो क्या कहना, और बस वही कुछ मैसेज दे दो अपने फैंस के लिए। फैंस ये गाना सुने और अपने सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें, टैग करें और फॉलो भी करें इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करें टिप्स को, और इस तरह के बहुत सारे खूबसूरत गाने आएंगे टिप्स को और भी, उनको भी देखें। बट फिलहाल तो इस गाने को जितना शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि आपके प्यार की इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है, और जितना मतलब हमेशा अच्छे गाने को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत बहुत प्यारा गाना, इसे तो बिल्कुल ही अच्छे से प्रमोट करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए हर जगह पे। और आप भी ओके, और जो भी yes, सॉन्ग को, जो भी सॉन्ग पे वीडियो बनाएगा उसके साथ में एक फनी वीडियो बनाऊंगा। ओके ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज ग्रेट टॉकिंग विद यू। ओके ओके, बाय, बाय, टेक केयर।